गरीब काली सहेली के लिए दो अमीर सहेलियां लाई महंगा लहंगा। यार पल्लवी, ये आंचल कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। यार हम उसका इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? बिकॉज ऑफ उसके पास फोन भी तो नहीं कि हम एटलीस्ट उससे कॉल कर ले। पल्लवी और लावण्या बैंकेट हॉल में अपनी सहेली आंचल के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी अचानक एक पुराना सा सूट पहने हुए आंचल वहां आती है। आंचल कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी? और तूने सूट क्यों पहना हुआ है? हमने डिसाइड किया था ना कि हम तीनों लहंगा पहनेंगे। मगर पल्लवी, मेरे पास लहंगा नहीं था, जो था बस यही था। शायद लहंगा पहनना मुझ काली बदकिस्मत की किस्मत में नहीं। ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें नम हो जाती है। तभी लावण्या कहती है, किसने कहा हमारी सहेली सुंदर नहीं? तू इस सूट में बहुत सुंदर लग रही है। चल शादी इंजॉय करते हैं, आफ्टर ऑल हमारे कॉलेज के हिटलर की शादी जो हो रही है। लावण्या, पल्लवी और आंचल बचपन की सहेलियां हैं। आंचल का रंग बहुत ही काला है, वो एक गरीब माँ की बेटी है। वहीं लावण्या और पल्लवी बहुत ही सुंदर पर अमीर घर से हैं। मगर उनकी अमीरी कभी भी उनके दोस्ती के बीच में नहीं आई। तीनों सहेलियां ढेर सारे फूल लेकर मंडप में आकर दूल्हा दुल्हन के फेरे देखते हुए उन पर फूल डालने लगती है। तभी लावण्या कहती है, यार ये चश्मे बद्दूर तो शादी के लहंगे में कहर ढा रही है। जब हम तीनों की शादी होगी तो हम भी इतनी सुंदर लगेंगे। हाँ मगर हम तीनों सहेलियों में सबसे सुंदर तो शादी के लहंगे में हमारी आंचल ही लगेगी, है ना आंचल? अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर आंचल अपने काले रंग और गरीब जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहती है, नहीं पल्लवी लावण्या, शादी के लहंगे में तुम दोनों ही सुंदर लगोगी, क्योंकि तुम सुंदर हो और मैं काली बदसूरत। फिर जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें माँ मेरे लिए इतना महंगा लहंगा कहाँ से लाएंगी? तुम्हें नहीं पता, मगर एक गरीब के लिए उसकी बेटी की डोली उठ जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। आंचल के शब्दों में झलकती गरीबी को देखकर पल्लवी और लावण्या का मन भर आता है। शादी खत्म होने के बाद तीनों सहेली अपने अपने घर चली जाती हैं। तभी आंचल जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसकी गरीब माँ सीबो बैठ कर शर्ट के धागे काट रही होती है। अरे आंचल बेटी, तू आ गई। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि आप इतनी मेहनत मत किया करो, मेरे लिए आपको लोगों के घर में उनके झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं और कितना काम करना पड़ता है, उसके बाद भी आप रात को घर पर ये शर्ट के धागे काटने के लिए ले आती हैं। बेटी, अगर तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। भगवान के लिए ऐसी बात मत करो ना माँ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? पिताजी तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अब तुम भी चली जाओगी तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी ना, और मुझ जैसी गरीब काली लड़की से कौन लड़का शादी करना चाहेगा? ऐसा कहते हुए आंचल की आंखें झलझला जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दिन रात भूखे प्यासे काम करने के कारण सीबो बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। 10 बज गए हैं, पहले इतनी देर हो चुकी है, मुझे काम पर जाना होगा। माँ, तुम्हारी तबीयत पहले ही बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारे बदले मैं काम पर जाऊंगी। घर चलाने के लिए आंचल अपनी माँ की जगह खुद काम करने लग जाती है। ऐसे ही एक एक करके दिन गुजरता जाता है और एक दिन सीबो आंचल से कहती है, आंचल बेटी, तू तो मेरी हालत देख ही रही है, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी, अपनी माँ के मरने से पहले अपना घर बसा ले, आखिर कब तक तू मेरे लिए कुंवारी बैठी रहेगी? ठीक है माँ, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर आप जिससे कहोगी मैं उससे शादी कर लूंगी। आंचल के हाँ करने के बाद सीबो अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने लगती, मगर गरीबी और काले रंग के कारण हर रिश्ता आंचल को ठुकरा कर चला जाता है। मगर एक दिन प्रेम नाम का एक लड़का उनके परिवार के साथ आंचल को देखने के लिए उनके घर आता है। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो बहुत ही काली है, और प्रेम मेरा एक लौता बेटा है, उसकी शादी को लेकर मेरे बहुत से सपने हैं। मगर बहन जी, आप तो देख ही रही हैं, आंचल के पिताजी नहीं हैं, उनके जाने के बाद मैंने अपनी बच्ची को अकेले पाला है। मेरी बच्ची भले सावली है मगर साफ दिल है इसका। मेरे पास अपनी बच्ची के सिवा आपको देने के लिए और कोई दूसरा दहेज नहीं है। बहन जी, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस आप हमारा और हमारे बरातियों का अच्छे से स्वागत कर देना, बस यही हमारी इच्छा है। ये सुनकर सीबो हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों परिवार शादी पक्की कर देते हैं। शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। तभी लावण्या और पल्लवी आंचल से मिलने उसके पास आती है। आंचल, तेरी शादी पक्की हो गई,
और तूने ये बात अपनी दोनों पक्की सहेलियों को बताना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कम से कम घर पर कार्ड ही भेज देती। पल्लवी, अगर मेरी शादी का कार्ड छपता तो मैं तुम दोनों को देती ना। अमीर और गरीब की शादी में बहुत फर्क होता है। तुम्हारी ये सहेली भगवान के यहाँ से गरीब किस्मत लेकर आई है, इसलिए मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि जिस गरीबी में मैं बचपन से बड़ी हो गई, वहाँ मेरी शादी के कोई सपने पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मैंने कभी अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देखे ही नहीं। आंचल अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिसके पीछे का कारण था उसकी गरीबी, जिसमें सादगी के साथ उसकी शादी की रस्में हो रही थी। लावण्या और पल्लवी उसके आंसू पोंछकर उसे हल्दी लगाती हैं। रो मत आंचल, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम दोनों तुमसे वादा करती हैं कि इस घर में हमारी सहेली की डोली खुशियों भरी ही उठेगी। अब हम अपनी बन्नो रानी को अच्छे से हल्दी लगाएंगे ताकि तुम्हारे चेहरे पर हल्दी का निखार चढ़ जाए। ये बोलकर दोनों सहेलियां आंचल को हल्दी लगाकर घर के लिए निकल जाती हैं। पल्लवी, शादी तो हर लड़की का सपना होता है, मगर तूने देखा, आंचल अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुश कैसे होगी लावण्या, तूने देखा नहीं, कहीं से भी आंचल का घर शादी का घर नहीं लग रहा था। ना तो वहाँ कोई सजावट थी और ना ही बैंड बाजा। अब हमें ही कुछ करना होगा, कल आंचल की शादी है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन सुबह होते ही पल्लवी और लावण्या आंचल की शादी के लिए एक बड़े से मॉल से महंगा सा लहंगा और उसके मैच की सुंदर ज्वेलरी भी खरीदती हैं। और शादी की शाम को बैंड बाजे के साथ नाचते हुए लहंगा लेकर आंचल के पास आती हैं, जहां आंचल अपनी माँ की दी हुई शादी की पुरानी साड़ी पहने हुए गले में एक पतला पुराना हार डाले हुए बैठी होती है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे अब हम आ गई है ना, ये लो तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। मगर इसमें क्या है, खुद ही खोल कर देख लो। जैसे ही आंचल लहंगे का बॉक्स खोलती है, उसमें महंगा सा लहंगा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और पल्लवी कहती है, आंचल तुम्हें ये लहंगा पसंद तो आया ना। हाँ मुझे बहुत पसंद आया, मगर ये लहंगा तो बहुत ही महंगा लगता है। तुम दोनों को मेरे लिए इतना सब करने की क्या जरूरत थी। अरे आज हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है और हमें पता है कि तुम्हें लहंगा पहनने का कितना शौक था, और आज जब हमारी सहेली की शादी हो रही है तो क्या हम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते। चलो। हाँ अंचल, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। आज तुम्हारी दोनों सहेलियां तुम्हें ऐसे सजाएंगी कि सभी हमारी होने वाली दुल्हन को देखते रह जाएंगे। ये बोलकर लावण्या और पल्लवी आंचल को महंगा सा लहंगा पहनाकर बहुत ही सुंदर तरीके से उसका मेकअप करके सजाकर उसे मंडप में ले जाती हैं, जहां मंडप में बैठा आंचल का होने वाला पति प्रेम और बाकी के बाराती भी गरीब काली आंचल को देखते रह जाते हैं, जिसके बाद आंचल की शादी हो जाती है। और आंचल अपनी दोनों अमीर सहेलियों के गले लगकर कहती है, लावण्या पल्लवी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझ गरीब को तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली है। तुम दोनों ने आज मुझ गरीब को बहुत सारी खुशियां दी है। तुम तो हो ही इतनी प्यारी आंचल, आई मिस यू सो मच। बस जीजा जी के घर जाकर अपनी दोनों सहेलियों को भूल मत जाना। कभी नहीं भूलूंगी, तुम दोनों हमेशा मेरे दिल में रहोगी। दोनों अमीर सहेलियां अपनी गरीब काली सहेली को खुशियों भरी विदाई देती है, और लावण्या और पल्लवी का दिया हुआ शादी का महंगा लहंगा गरीब आंचल की जिंदगी के लिए उसकी दोस्ती की खूबसूरत निशानी बनकर आज भी उसके पास है। ममता एक विधवा औरत होती है। अपने पति की मौत के बाद ममता को अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है। ममता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, जिस वजह से उसे कोई भी अच्छा काम नहीं मिलता। अपना पेट पालने के लिए मजबूरन ममता को कचरा चुनने का काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन ममता कचरा चुन रही थी कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उस गाड़ी में बैठे हुए लोग एक मासूम सी बच्ची को कचरे में फेंक कर वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर ममता उस कचरे में से उस बच्ची को उठाती है। हे भगवान, कैसे लोग हैं, बच्चा तो पैदा कर लिया लेकिन पालने की हैसियत नहीं है। अगर पालना ही नहीं होता तो बच्चे पैदा ही क्यों करते हो। दिल में जरा भी ममता नहीं है, कैसे इस मासूम सी जान को कचरे में फेंक दिया, ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद इसका होगा क्या। लेकिन अब मैं इस बच्चे का क्या करूंगी, लगता है भगवान ये तेरा ही इशारा है। मैं तो अपने जीवन में बिल्कुल अकेली थी, तूने मेरे जीवन में इस बच्ची को भेजकर मेरे जीवन का अकेलापन दूर कर दिया। अब मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी।
इतना कहकर ममता उस बच्ची को अपने छोटे से घर में ले आती है और उसे पालना पोसना शुरू कर देती है। ममता उस बच्चे का नाम अनु रखती है और उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और अनु अब 5 साल की हो जाती है। माँ माँ मुझे स्कूल जाना है। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, मुझे भी उनकी तरह ही स्कूल जाना है। अनु ठीक कह रही है, अब इसकी उम्र स्कूल जाने की हो गई है। अब मुझे स्कूल में इसका दाखिला करवाना होगा, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका दाखिला करवा सकूं। अब मैं क्या करूं? हाँ, याद आया, मेरे पास एक सोने का कंगन रखा हुआ है जो इन्होंने मुझे मेरी मुंह दिखाई पर दिया था। मैं इसे बेच देती हूँ, जो पैसे आएंगे उनसे मैं अनु का स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। ममता जल्दी से उस कंगन को लेकर जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। कंगन को बेचने पर जो भी पैसे ममता को मिलते हैं, वो उन पैसों से अनु का स्कूल में एडमिशन करा देती है और उसके पढ़ने लिखने की सारी चीजें ले आती है। अब ममता एक ढाबे पर काम करने लग जाती है और दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़कर अनु को पढ़ाती है। अनु जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल में रिया नाम की एक लड़की होती है। रिया एक बहुत अमीर परिवार से होती है और रिया और अनु स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों साथ में ही खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है और साथ ही साथ इनकी उम्र, अब ये दोनों सहेलियां बड़ी हो जाती हैं। अनु, आज हमारी दोस्ती को इतने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम साथ में हैं। मुझसे वादा करो हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और हमें कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे को जरूर बतानी है, चाहे हम एक दूसरे से दूर ही क्यों ना हो। हाँ रिया, लेकिन तुम ये दूर जाने वाली बात क्यों कह रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? हाँ अनु, मेरे डैड मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज रहे हैं, इसीलिए मैं 2 दिन के बाद शहर जा रही हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी वैसे ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगी। जब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही हो। ऑल द बेस्ट रिया, अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ख्याल रखना। दोनों ही सहेलियां बहुत खुश होती हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे से बिछड़ने का गम भी होता है। 2 दिन बाद रिया अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। अनु बेटा, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, घर परिवार बहुत अच्छा है, अगर तू कहे तो मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। जैसा आप कहें माँ। अपनी बेटी का हामी जवाब सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते कुछ ही समय में अनु की शादी हो जाती है। शादी के शुरुआती दिन तो बहुत ही अच्छे और खुशनुमा गुजरते हैं, लेकिन एक दिन। विजय बेटे, ये तुझे क्या हुआ और ये सारी चोट तुझे कैसे लग गई? आप ठीक तो हो ना? और आपके हाथ में ये प्लास्टर कैसा है? क्या हुआ आपके साथ? माँ, अनु, मैं काम करके वापस घर लौट रहा था कि तभी एक गाड़ी वाले से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सारी चोट मुझे उसी एक्सीडेंट में लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि अब मैं कुछ महीनों तक कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। अब ये घर कैसे चलेगा? बाबूजी की भी अब उम्र हो गई है, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, अब मैं क्या करूँगा? आप रोइए मत, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे, आप बस हिम्मत मत हारिए, हम सब कुछ ना कुछ कर लेंगे। विजय के एक्सीडेंट के बाद अनु और उसकी सास अब घरों में जाकर घर में काम किया करते थे और जो पैसे मिलते थे उसमें गुजारा करते थे। साड़ी ले लो, रंग बिरंगी साड़ी ले लो। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है, काश ये साड़ी मैं खरीद पाती, लेकिन अगर मैंने ये साड़ी खरीद ली तो घर में राशन कैसे आएगा? बहन जी क्या सोच रही हो, इतनी अच्छी साड़ी इतने कम दाम में है, ले लो। अनु अपने मन को मारती हुई वहाँ से चली जाती है। अनु की शादी को अब काफी समय हो चुका था। अनु की सहेली रिया की भी अब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। रिया अब शहर से घर वापस आने के बाद सबसे पहले अनु से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि अनु की शादी हो चुकी थी, इसीलिए अब वो उससे मिलने उसके ससुराल जाती है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये अनु कहाँ रहती है? बेटा आप कौन? जी मैं उसकी दोस्त हूँ। बेटा मैं अनु की सास हूँ, अनु अंदर है, तुम अंदर आ जाओ। आंचल रिया को घर के अंदर लेकर आती है। रिया जैसे घर के अंदर आती है वैसे ही उसके सामने अनु होती है। अनु और रिया एक दूसरे को देखकर रोते हुए एक दूसरे को गले मिलते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अनु अपने साथ हुई किसी भी चीज को रिया को नहीं बताती। अनु तुमने मुझे बताया नहीं,
कि तुमने शादी कर ली? रिया, तुम्हारे जाने के बाद माँ ने मेरी शादी करा दी। वो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ और अपना घर संभालूँ, इसीलिए मैंने शादी कर ली। तुम शादी से खुश तो हो ना? तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं रिया, मुझे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। रिया और अनु काफी देर तक बातें करती हैं, जिसके बाद रिया अनु को बाय बोलकर अपने घर आ जाती है। अब अक्सर रिया अनु से मिलने जाया करती थी। गरीबी होने की वजह से अनु के पास सिर्फ एक से दो साड़ियां होती हैं, जिन्हें वो बार बार पहनती है। रिया ये नोटिस किया करती थी कि जब भी वो अनु से मिलती है तो अनु हमेशा यही साड़ी पहनती है, जिस वजह से रिया को अनु पर शक होता है और वो अनु से कहती है, अनु तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तुम सिर्फ ये दो साड़ियाँ क्यों पहनती हो? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? रिया के पूछने पर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी सच्चाई रिया को बता देती है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या यही दोस्ती थी हमारी? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी किसी भी बातों से कभी परेशान नहीं हो सकती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, समझी? इतना कहकर अनु रिया को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अनु आकर रिया के लिए बहुत महंगी महंगी और अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आती है और अनु को देती है। इतनी महंगी अच्छी साड़ियाँ देखकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया अनु को एक साड़ी की दुकान भी खोल देती है, जिस वजह से अनु की गरीबी अब धीरे धीरे मिटने लगती है। अनु अब अपनी साड़ी की दुकान को बहुत अच्छे से चलाती है, जिसके बाद अनु और रिया गरीब औरतों को फ्री में साड़ियाँ देकर उनकी मदद किया करती थीं।